वेलकम टू सना स्कूल किचन। स्कूल जाता है, झटपट से उठता है, झटपट से काम करता है। आज इसी तरह मैंने आज मार्केट को गई और कुक फिश ले आई हूँ, यानी कि कोला फिश, कुक मीन। हाँ, 1 kg 200 रुपीज़ है ये आज के रेट में। हाँ, ये छोटी साइज़ में भी आती है, बड़ी साइज़ में भी आती है। आप इसे ज़रूर लेके ट्राई करके देखना। इसे अच्छे से साफ से धो लेना है, 3 to 4 times पानी में नमक डाल के अच्छे से धोना है, क्योंकि हमेशा हमारे बड़े लोग बोलते हैं, दादा दादी नानी माँ, हर सी फूड वी हैव टू वॉशिंग सॉल्ट। जी हाँ, सॉल्ट में धोने से इसका जो बैक्टीरिया होता है वो बिल्कुल चल जाता है, इसीलिए सी फूड हमेशा सॉल्ट में धोना पड़ता है। इवन इट इज़ रॉक सॉल्ट या आपका सॉल्ट का बुकटा हो तो भी इट्स ओके। इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे, इसके बीच में कट्स भी डाल लेंगे। हम रोज़ हमारे जो खाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, हम सब इक्वल से खाना है। ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि हम रोज़ रोटी ही खाना है, चने है, सब्जी भाजी, तो इक्वल ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाने से ही नहीं चलेगा, हमारा शरीर दिमाग को भी प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन यानी कि अंडे में है, फिश में है, मीट में है, तो इसमें अमीनो एसिड होता है, ओमेगा 3 होता है। ये सब हमारे शरीर दिमाग के लिए बहुत भी अच्छा है। जो लोग नहीं खाते हैं उन्हें नहीं मालूम होता है, तो ये टैबलेट्स में भी आते हैं, फिश कोड लिवर ऑयल टैबलेट्स में भी आते हैं, ये भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसलिए आपकी स्किन, दांत, हेयर सबको भी इक्वल अमाउंट ऑफ यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मात्रम इक्वल एक शरीर में मिलता है। आजकल के ज़माने में आजकल प्रोटीन बच्चों में बहुत कम है, बढ़ती उम्र के बच्चों के इसमें प्रोटीन बहुत कम है। तो एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर्स, एज ए जनता, हर बच्चे को प्रोटीन ज़रूर देना है, यानी कि अंडा, रोज़ एक अंडा या एक मछली या मीट, चिकन या पनीर, ऐसी बहुत सी चीज़ है प्रोटीन देना है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं देना है, इससे बच्चों का मानसिक स्तर से बहुत भी ये होता है। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स वेरी गुड फॉर हमारे दिमाग के लिए। अमीनो एसिड्स मछली में बहुत मात्रा में है। हाँ, सी फूड बहुत अच्छा है। और एक चीज़, सी फूड व्हेन वी आर ईटिंग, हम जब सी फूड खाते हैं तो दूध बिल्कुल नहीं लेना है। जब सी फूड खाते हैं दूध बिल्कुल नहीं होना खाना है, क्योंकि दूध में फ्रुक्टोज, लैक्टोज होता है। सी फूड और दूध पीने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि हमारा पेट ख़राब हो सकता है। मछली, सी फूड और दूध पीने से हम स्किन रैशेस आ सकते हैं, जैसे कि स्किन में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो होप यू ऑल लाइक इट, ये एक सिंपल लेसन के साथ और मिर्च का बुकटा पेपर के साथ मैंने बनाया है, आप भी ट्राई करके देखना। ये जो मसाला है कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत भी सिंपल है, बहुत भी टेस्टी होगा। आप इसे फ्रिज में भी रख के खा सकते हैं। जो भी है फ्रेश खाना, जैसे कि कंज्यूम करके बहुत दिन प्रिजर्वेटिव डाल के, विनीगर, केमिकल्स डाल के, ये बिल्कुल नहीं खाना है। खाना ही दवा है, दवा ही खाना है। फिर नए वीडियो के साथ मिलूँगी। अलविदा दोस्त, फिर मिलेंगे।